इस संसार में तीन चीज स्वतंत्र है, भक्ति, भक्त, भगवान, ये तीनों स्वतंत्र है। है कि नहीं है? तो इसके लिए भक्ति स्वतंत्र होने के कारण वो किसी कारणवश उसको रुका नहीं जा सकता है। आप भक्ति रोक सकते हैं वो आपका लॉस है, मगर भक्ति रुक नहीं सकता है। भक्ति फल फूलता रहेगा, हम इसको नहीं स्वीकारेंगे तो लॉस हमारे हैं। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्त भी स्वतंत्र है और शिव भगवान भी स्वतंत्र हैं। मगर भक्तों, ये तीनों में एक परम स्वतंत्र है। तीनों स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक परम स्वतंत्र है, वो है भक्त है। भक्त परम स्वतंत्र है और भक्त के अधीन में भक्ति भी होता है, भक्त के अधीन में भगवान भी होते हैं। इसके लिए भक्त को परम स्वतंत्र माना गया है कि नहीं? तो इसके लिए हमको भगवान की सेवा या भगवान का भक्ति किसी स्थिति, कोई स्थान, काल, ऐसा अरे स्थान ठीक नहीं था इसलिए मैंने भक्ति नहीं कर पाया, या समय ठीक नहीं था, या वातावरण ठीक नहीं था, ये सब कारण से हम भक्ति को नहीं रोक सकते हैं कि नहीं? ओके, तो चर्चा का विषय भी वही है हमारा। हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम, कोई शॉर्टली बताएंगे क्या चर्चा किए थे हमने लास्ट क्लास में? थोड़ा सा मीन्स शॉर्टकट बताइएगा, मेन मेन पॉइंट्स बताएं क्या क्या हम चर्चा किए। कौन बताएंगे, हाथ उठाइए। हाँ चांसिया माता जी, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अपन ने पहले लास्ट क्लास में चर्चा किया था, नाम तीन तरह के होते हैं, मुख्य नाम, गौण नाम और प्रेम नाम। तो मुख्य नाम तो जो भगवान से डायरेक्ट संबंधित है, जैसे कृष्ण, नरसिंह, राम, वरा आदि। गौण नाम में जगदीश, परमेश्वर, परम ब्रह्म, जगत पिता और ये सब। और प्रेम नाम है जो हरे कृष्ण महामंत्र है हमारा, वो प्रेम नाम है। इसके बाद हमने चर्चा किया था कष्ट क्यों आते हैं जीवन में, है ना? तो आपने बताया था कि हमारे भजन में कहीं पे गड़बड़ी है इसलिए हमारे पे कष्ट आते हैं। तो उसमें आपने तीन पॉइंट बताए थे। और उसके बाद जप का स्तर बताया था आपने, अप्राप्त युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम, ये तीन स्तर बताए थे। जो अंधकार है वो अपराध युक्त नाम है, और जो नामाभास है वो प्रतिबिंब है, और जो शुद्ध नाम है वो प्रकाश है, सूर्य की किरणें हैं। और अपराध का आपने बताया था कि अप प्लस आराध, जिसके कारण हम राधा रानी से दूर हो जाते हैं। उसके बाद आपने अनर्थ का बताया था, भक्ति के जीवन में कोई काम नहीं है, वो कचरा है, वो अनर्थ है, वो चार प्रकार के अपराध बताए थे। उसमें अनर्थ चार प्रकार के, एक हृदय दौर्बल्य, एक अपराध, एक असत तृष्णा और एक तत्व विभ्रम। Okay. और इनका वापस आपने सब पूरा बताया। और अनर्थों से कैसे बचे ये भी बताया था आपने, कि गुरु की शरण में जाने से और उनसे संबंध अभिधेय और प्रयोजन के ज्ञान को बार बार सुनने से हमारे अनर्थ निवृत्त। और इसके बाद संबंध ज्ञान का आपने थोड़ा सा बताया था कि भगवान की दिव्यता, आत्मा की दिव्यता और भौतिक संसार की परिस्थिति, ये तीन आपने थोड़ा सा खाली पॉइंट्स बताए थे। वेरी गुड, और कुछ? ओके, धन्यवाद माता जी, काफी आपने मीन्स कम समय में पूरा कवर कर लिया। फिर अंत में हमने चर्चा किए थे किस प्रकार से हम अच्छे से नाम जप कर पाए, तो उसका कुछ मैंने टिप्स बताया था लास्ट में, है ना? ओके, तो धन्यवाद सभी भक्तों को। तो अभी हम जो हरि नाम चिंतामणि के किताब को चर्चा कर रहे हैं, तो नामाभास हमने लास्ट टाइम चर्चा किए हैं, अभी हम अपराधों के पास चलेंगे। चले ना अपराध के पास। हाँ, तो अपराधों के पास चलते हैं, चर्चा करते हैं। मेरा निवेदन यही है कि जब भी ये चर्चा होगी या जो भी चर्चा होगी, ये सभी जो भी नियमे आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी जैसे हमने अभी एक सुंदर भजन गाए जिसमें वैष्णव के गुणों के बारे में बखान किया गया है, वैष्णव कितने गुणवान होते हैं,
तो जब भी ये सारा चर्चा है, इस सभी में अपने आप को ही देखना है, ध्यान रखिएगा। कभी भी हमारा एक मीन्स कहते हैं ना, दुर्बुद्धि है, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, तो दूसरों को ना देखकर जो भी चर्चा होगी, मैं खुद कैसे ये अप्लाई कर पाऊँ अपने ऊपर, मैं कैसे अच्छा जप कर पाऊँ, अच्छा भक्ति कर पाऊँ, अपराध से मुक्त हो पाऊँ, वो ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, अपराध के ऊपर हमारा चर्चा जारी है। तो हमने चर्चा किए थे अपराध क्या है। अपराध का अर्थ है, जैसे माता जी ने एक अर्थ बताया कि अपराध का अर्थ है कि हम राधा रानी से दूर हो जाते हैं, और हमने ये भी बताए थे आपको लास्ट टाइम, अपराध का अर्थ है जो हमको आराधना से दूर कर देती है। अपो यानी दूरता, आराध अपो प्लस आराध आराधना, भगवान की आराधना में या भगवान की सेवा में या भक्ति में हमको दूर ले जाता है, अपराध है। तो अपराध चार प्रकार के हैं, ये चर्चा हो चुकी है। नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, जीव अपराध है, और सेवा अपराध है। सेवा अपराध यानी भगवत अपराध कह सकते हैं, भगवत अपराध भगवान के प्रति अपराध हो सकती है, ठीक है ना। ये चार प्रकार के अपराध हैं, वापस मैं रिपीट करता हूँ, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, ध्यान रखिए नाम अपराध में वैष्णव अपराध आता है, मगर इसको इतना खतरनाक ही अपराध, इसको अलग कैटेगराइज किया गया है वापस, है कि नहीं है। ये नाम अपराध में ही दूसरे नाम अपराध में वैष्णव अपराध ही है, मगर ये इतना खतरनाक अपराध है तो इसको अलग कैटेगरी करा गया है। तो नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, जीव अपराध है, और सेवा अपराध है, ठीक है ना। तो हम जब नाम अपराध चर्चा करेंगे उसमें वैष्णव अपराध भी चर्चा हो जाएंगे, है ना, दस नाम अपराध में वैष्णव अपराध भी चर्चा हो जाएंगे। तो ये चार प्रकार के अपराध है। नाम लेते समय जो अपराधे होते हैं उसको नाम अपराध कहते हैं। वैष्णवों के चरण में जो अपराध होती है वो वैष्णव अपराध है। जीवों के प्रति, संसार में कोई भी जीव के प्रति हम कुछ भी अनिष्ट करते हैं तो उनको भी अपराध है जीवों के प्रति। और भगवान के प्रति जो अपराध होती है, सेवा अपराध, भगवान की सेवा करते समय वो सेवा अपराध माना जाता है। ओके, तो अभी एक होता है अपराध और एक होता है पाप, ये दोनों में अंतर हम समझेंगे। अपराध में पाप में क्या अंतर है, देखिए, पापी व्यक्ति वो भगवान का आराधना करता है, अपराधी भी भगवान का आराधना करता है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, पापी जो एक मिनट, इसमें जो अपराध की तरफ जो लिखा हुआ है ना, वो पापी की तरफ लाना है, मैं गलती से एक्चुअली इस तरफ डाल दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। अपराध की तरफ जो पहले वाला पॉइंट है, बाकी सब सही में, पहले वाला पॉइंट में जो अपराध के तरफ लिखा हुआ है ना, अपराधी के तरफ, वो इस तरफ लाना है, आप वो नोट कर लीजिए। तो पापी जो है वो शरीर या इंद्रियों का सुख के लिए कार्य करता है कि नहीं है। पाप क्या है, पाप यानी हम अपनी इंद्रियां अपने शरीर के सुख के लिए करते हैं, उसमें भगवान और भक्त के ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो पापी है, पाप है जो शरीर से आवृत होता है, मगर ध्यान रखिए अपराध, ये इस तरफ ले आइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अपराध आत्मा को आवृत करता है। अपराध आत्मा को इफेक्ट करता है, और पाप जो है शरीर को इफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दुख भोग करने से पाप समाप्ति हो जाती है, पाप का निराकरण हो जाता है। अगर कोई पाप बहुत किया है, उसकी जीवन में अगर दुख आती है, इसका मतलब हमारा जीवन में दुख आ रहा है, तो ये बहुत मीन्स प्रसन्नता की बात है कि हमारा पाप खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो पाप कर्म है वो खत्म हो रहे हैं। क्योंकि भक्त बहुत परेशान होते हैं, अरे मेरा इतना परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ये शारीरिक प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है, अनेकों प्रकार प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। भक्तों ये सारे प्रॉब्लम्स अच्छा हैं, आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा कर्म किए हैं, पाप कर्म, जो जिसका दंड आपको मिल रहा है, जिसका फल आपको मिल रहा है, तो अच्छी बात है। पाप दुख भोगने से पाप धुल जाती है, वो पाप धुल जाएगा तो उसके बाद आपके जीवन में फिर सुख आ जाएगा,
है कि नहीं, पाप की वजह से दुख भोगते हैं, पुण्य की वजह से सुख भोगते हैं। तो दुख भोगने से पाप समाप्त हो जाते हैं, मगर ध्यान रखिए अपराध समाप्त कैसे होती है, सिर्फ दुख भोगने से नहीं, क्षमा प्रार्थना करने से, अनुताप, अनुताप यानी गिल्टी फील करना, यानी प्रायश्चित मनोभाव, प्रायश्चित का मनोभाव करना बार बार, अरे मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे से नहीं करना चाहिए था, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा, ये अनुताप होती है। और तीसरा दैन्य भाव से सेवा करना, भगवान के प्रति अपराध हुई तो आप भगवान के प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो और गिल्टी फील करो, मेरे से अपराध हो गई है गलती से, और भगवान के चरणों में उनका सेवा दैन्य भाव से करे। या वैष्णव के प्रति अपराध हुआ तो एग्जैक्टली वो यही करना है, क्षमा प्रार्थना और अनुताप करना है और दैन्य भाव से सेवा करना है, तब तो जाके अपराध से मुक्त होंगे। मगर पाप सिर्फ दुख भोगने से पाप समाप्त हो जाती है। तीसरा सुख भोग, पापी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, सुख भोग में बाधा आती है, मगर अपराधी तो भगवान से बहिर्मुख हो जाता है। पापी व्यक्ति भगवान की मीन्स क्या बोलते हैं, भगवान की तरफ आता है, अरे दुख भोग रहा हूं, चलो भगवान के पास जाता हूं तो भगवान मेरा दुख से निवारण कर लेंगे। मगर अपराधी जो है ना, उसका बुद्धि इतना मीन्स क्या बोलते हैं, दुर्बुद्धि हो जाती है अपराध के कारण, वो भगवान और भगवान के भक्तों से दूर हो जाता है, भगवत बहिर्मुख हो जाता है वो व्यक्ति। और आगे जो पापी है उसका, अगर वो भगवान का कोई पूजा अर्चना करता है, कोई साधु महात्मा को ये करता है, उसको स्वीकृति, पुण्य स्वीकृति मिलती है। मगर अपराधी जो पूजा अर्चना करता है वो स्वीकार ही नहीं करते हैं भगवान वैष्णव। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मीन्स लास्ट पॉइंट है। अगर पापी भगवान का सेवा पूजा करता है तो उसको पुण्य मिलता है, उसको स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति मिलती है, आगे जाके वो भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मगर जो अपराधी है उसका पूजा अर्चना तो भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। मैं प्रमाण दूंगा, ध्यान रखिए, प्रमाण दूंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रमाण है इसका, भागवत प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, नहीं स्वीकार की जाती है। लेकिन तो चारों पॉइंट्स क्लियर हैं, पापी अच्छा, अभी बताइए पापी अच्छा है या अपराधी अच्छा है, कौन अच्छा है, अपराधी की पापी? और अपराधी कौन बनता है, जो भक्ति में आ गया उसी से अपराध होता है। अगर पाप को अपराध माना जाएगा तो कोई पापी भक्त नहीं बन पाएगा संसार में, ध्यान रखिएगा। पापी का कल्याण है, पापी तापी जत छिला हरि नामे उधारिला, पापी तापी जत छिला हरि नामे उधारिला, तार साक्षी जगाई माझा, तार साक्षी जगाई माधा। पापी तापी जत छिल, ऐसे भजन में लिखा हुआ है, दीनहीन जत छिल, दीनहीन लिखा गया, मगर श्रील प्रभुपाद जी कई जगह में पापी तापी जत छिल ये कोट किए, इसलिए मैंने पापी तापी लिया। तो पापी तापी जो भी है उनका कल्याण कैसे होगा, जब हरिनाम उनको मिल जाती है, हरिनाम उद्धारी लो। तो कोई प्रमाण है क्या पापी तापी हरिनाम से उद्धार हो जाते हैं? अरे बहुत बड़ा प्रमाण है, हरिनाम दे के उद्धार कर दिए, वो कौन है, जगह और माधाई है। बड़े पापी थी ले, बड़ो पापी छिलो रे, वो है ना, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई रे, हरि नाम आनी आछे गौरांग निताई रे, बड़ो पापी छिला रे हरि नामे उद्धारिला जगाई माधाई रे। भक्तिमत ठाकुर लिखे बड़ा सुंदर भजन है, हरि नाम से उनको उद्धार किए, बड़ो पापी छिला रे, बहुत बड़ा पापी थे कौन, जगाई माधाई, मगर उनको हरि नाम का उद्धार हो, हरि नाम से उद्धार हो गया। इसके लिए हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं,
हरिस्ता ने अपराधे तारे हरि नाम, तवस्ता ने अपराधे नाही परित्राण, है कि नहीं? हरिस्ता ने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान अपराध भगवान के प्रति हरि के प्रति अपराध हो जाती है तो भगवान का नाम लेने से, इसके लिए कहते हैं जो पुजारी होते हैं या भगवान के सेवा करते हैं उनको ज्यादा नाम जप करनी चाहिए, अधिक अधिक नाम जप करना चाहिए। सभी घरों में सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी का गोपाल जी हैं, गौर नीता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सेवा करते हैं सब लोग, नाम ज्यादा जप करें तो नाम ज्यादा जप करने से क्या होगा, जो कोई सेवा अपराध होती है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सेवा अपराध से या भगवान अपराध से कैसे मुक्ति मिल जाएगी, नाम जप करने से। मगर भक्तों जो अपराधी होते हैं ना, यानी पापी व्यक्ति का तो कल्याण है, ये चर्चा ये था, पापी व्यक्ति का कल्याण है मगर अपराधी का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये चर्चा का विषय है। ओके, तो ठीक है, दस नाम अपराध, आप में से कौन भक्तों को दस नाम अपराध संपूर्ण तरीके से याद है? दो भक्त पहले हाथ उठा दियो कोने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। काफी भक्तों को याद है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। सिर्फ मंगलाचरण याद नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, बाकी तो अच्छे भक्त, सब लोग अच्छे भक्त, थोड़ा आलस कर लेते हैं मंगलाचरण याद करने में। मंगलाचरण सर्वप्रथम क्लास हुआ मंगलाचरण का, और आज तक मंगलाचरण याद नहीं है भक्तों को। याद कर लीजिए, देखिए तो मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मैं आपको सूली में चढ़ा सकता हूँ, ना आपको कोई छड़ी से मार सकता हूँ। पहले टीचर लोग क्या करते थे, छड़ी से मारते थे अगर बच्चे अगर होमवर्क नहीं करते। अब यहाँ तक कि आप लोग तो कैमरा के सामने हैं, सामने होते तो भी कुछ कर सकता था, मगर कैमरा के सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, डांट सकता हूँ बस, और क्या कर सकता हूँ। लेकिन तो जो भी है याद कर लीजिएगा, मंगलाचरण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है भक्ति में। सुमन माता जी कुछ कहना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए, लास्ट में कहिएगा। ओके, तो दस नाम अपराध, अच्छी बात है, भक्त लोग को याद है, जो जिनको याद नहीं अब याद कर ही लेंगे, है कि नहीं? तो ये पद्म पुराण में ब्रह्म खंड में लिखा हुआ है दस नाम अपराध के बारे में। सताम निंदा नाम न परम अपराधम वितनुते यतः ख्याति यातम कथम सहते तद्विगहार्म शिवस्य श्री विष्णुर्यम विष्णुर्य इह गुण नामना दिशकलम धिया भिन्न पश्येस्य खलु हरि नामा हितकरः गुरुरवज्ञः श्रुति शास्त्र निंदरम अर्थवादः हरि नामनि कल्पनम नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धिर् न विद्यते तस्य यमर्हि शुद्धि धर्मव्रतात्याग हुतादि वर्षर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद अश्रद्धधाने विमुखे पश्रुमन्ति यस्योपदेश शिव नाम अपराध श्रुतोपि नाम महात्म्यै य प्रीतिरहितो नरः अहं ममादि परमो नाम्नि सो अप्यपराधकृत् अपि प्रमादः। ये दस नाम अपराध है, याद है ना आप लोग को? तो सब ये दस नाम अपराध किसको किसको याद है? ये दस दस श्लोक किसको किसको याद है अब पता चल जाएगा, किसको किसको याद, किसी को याद नहीं। वैसे मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, ये पद्म पुराण के श्लोक है, हमने जो पढ़ते हैं ना वो पद्म पुराण के इस श्लोक का वो अनुवाद है एक्चुअली, हम जो पढ़ते हैं। तो ये दस नाम अपराध है, ये श्लोक याद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, मैं भी प्रयास करूंगा। एक्चुअली मेरा पूरा याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि ना रोज हम लोग वो गाते अनुवाद गाते हैं ना, अनुवाद बोलते हैं सुबह सुबह, इसलिए वो ही याद है अच्छे से, तो इसको भी याद कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो दस नाम अपराध, तो यहाँ पर दस नाम अपराध को लिस्ट आउट की गई है, आप देख सकते हैं। पहला नाम अपराध है उन महान वैष्णवों को निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किया है। या आप सबके दिमाग में घंटी बजता होगा, महान वैष्णव की बात किया गया है, सामान्य वैष्णव है। अरे भक्तों सभी महान वैष्णव है,
ऐसा मत सोचे कि जो महान वैष्णव है ना यार, गुरु वर्ग तो वही महान वैष्णव है, बाकी सबके चरणों में अपराध कर सकते, नहीं नहीं सारे वैष्णव महान है, हमको छोड़ के, हमें छोड़ के बाकी सब महान है। तो जो भी भक्त है वैष्णव है उनकी निंदा करना, यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किए हैं, तो इसका तात्पर्य में या इसका अनुवाद में कोई कोई ऐसे कहते हैं कि ब्रह्मचारी सन्यासी, नहीं नहीं गृहस्थ या ब्रह्मचारी और सन्यासी या वानप्रस्थ जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपना जीवन दिया है, उन वैष्णव यानी सारे वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु में हरेक वैष्णव अपना जीवन जीवन दिया है। दिया नहीं क्या हमने वैष्णव, हम भौतिक संसार को भौतिक चीजों को त्याग कर हमने जीवन दिया भक्ति के लिए, नहीं दिया क्या हमने आध्यात्मिकता के लिए, कृष्ण के लिए आपने अपना जीवन दिया हुआ है। तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ ये ब्रह्मचारियों के लिए कहा गया है या सिर्फ सन्यासियों के लिए, ऐसी बात नहीं है, सभी के लिए जो भी प्रचार में लगे हुए हैं। और प्रचार का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें या प्रवचन दें, प्रचार है नहीं, प्रचार यानी एक जगह बैठ के ध्यान पूर्वक जप करना भी प्रचार है, समझ में आ रहा है, प्रसाद पा रहे हैं वो भी प्रचार है, कोई देख रहा कितना बढ़िया बैठकर आदरता पूर्वक प्रसाद ले रहा है वो भी एक प्रचार हो जाएगा अगर कोई देख के प्रभावित हो जाए। तो प्रचार यानी जो भी सेवा प्रचार है, कभी कभी भक्तों के मन में ये भ्रम पैदा हो जाती है, प्रचार यानी क्लास देना, बड़ा बड़ा प्रवचन देना ही प्रचार है, ना जी, प्रचार यानी जो भी भगवान का सेवा करते हैं वो प्रचार है। कोई आरती कर रहा है मंदिर में वो प्रचार कर रहा है, कोई मंदिर का झाड़ू मार रहा है वो प्रचार कर रहा है, कोई मंदिर का क्लीनिंग कर रहा है टॉयलेट बाथरूम का वो भी प्रचार कर रहा है। तो ये सबके लिए कहा गया, पहला उन वैष्णव भक्तों को निंदा करना जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किए हैं, ठीक है। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना, देवी देवताओं का जो नाम को भगवान के नाम के साथ समान समझना या उनसे भिन्न समझना, ये भी एक अपराध है। हाँ, दुर्गा नाम लो या काली नाम लो या गणपति नाम लो या कृष्ण नाम लो, सब एक है, ये अपराध है, ये अपराध है। इसके लिए शिव ब्रह्मादि देवी देवता, आप ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः शिवाय बोलो, कुछ लोग कहते हम भी जपते, एक ही बात है ना, आप हरे कृष्णा जप रहे हम ओम नमः शिवाय जप रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये अपराध है, इस प्रकार का मनोवृत्ति अपराध है। तो शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या अथवा उनसे अभिन्न भिन्न समझना, समझ में आ रहे ना, वो भी एक अपराध है। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझना, ये भी बहुत घोर अपराध है। गुरु को, गुरु की बातों को ना मानना, उनकी आज्ञा को अवज्ञा करना, ये तो अपराध है ये, और गुरु को एक सामान्य एक साधारण व्यक्ति मानना, ये भी अपराध है, ये तीसरा अपराध है। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों को, जो वैदिक शास्त्र हैं या उन उसमें जो प्रमाण दी गई हैं उसको खंडन करना, खंडन यानी उसको काटना, समझ में आ रहा है। देखिए ये क्लास कोई लीला कथा वाली क्लास नहीं, ध्यान रखिए, नींद आएगी आएगी इस क्लास में, ये मीन्स शिक्षणीय क्लास है, सीखने की क्लास है, फिलोसफी रहेगी। इसके लिए आपको निद्रा तंद्रा छोड़कर ध्यान पूर्वक आपको श्रवण करनी होगी, है कि नहीं सबको, अगर मैं भी ध्यान पूर्वक नहीं बोलूंगा तो मुझे भी नींद आ सकती है, ये ऐसे टॉपिक्स है। तो इसके लिए ये एक्चुअली इन जनरल चर्चा की विषय नहीं है, इसीलिए हम इसको काउंसलिंग क्लास दिए, काउंसलिंग यानी इसको बढ़िया से बैठकर अच्छे से समझ सकते हैं, ये इन जनरल क्लास में बोलेंगे तो नहीं पचा पाएंगे, नहीं हजम कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए ये हम जो भक्त ऑलरेडी हो गए हैं या जप कर रहे हैं कुछ समय से, थोड़ा समझ में आ गया भक्ति क्या है, तो उन लोगों के लिए नियम है। तो पहले पहले ही अगर किसी को ये सब नियम बताएंगे तो घबरा जाएंगे, उनसे ये पचेगा नहीं। तो इसके लिए ये हम लोग, ये कौन बताएगा, ये कौन सुनेगा, फिर ये नहीं सीखेगा, कौन सीखेगा, हमको ही सुनना पड़ेगा, हमको ही सीखना पड़ेगा, हमको सीखना है, आचरण करना है, दूसरों को सिखाना है। ध्यान रखिए हमारा टारगेट क्या है, खुद सीखनी है, आचरण करनी है, फिर दूसरों को सिखाना भी है, इसके लिए हम ये सब सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तीसरा, गुरु के आज्ञा को अवज्ञा करना, उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र प्रमाणों को
खंडन करना, शास्त्र अथवा प्रमाणों को खंडन करना, ठीक है। तो शास्त्रों को वैदिक शास्त्रों को और प्रमाणों को खंडन नहीं करनी चाहिए। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये तो एक कल्पना है, ऐसे बोलते हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं, ऐसे काल्पनिक है, ये हरे कृष्ण वाले काल्पनिक एक मनोगणन चलाए हैं, ऐसे समझना, ऐसे सोचना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, कोई काल्पनिक नहीं है, शास्त्र में जो भी प्रमाण है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रमाण है ना प्रीति माता जी, समझ रहे हैं ना, प्रमाण है कि नहीं है? वेरी गुड। ठंडी में नींद आएगी माता जी, क्या कर सकते, ओके। हाँ, नेक्स्ट छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद करना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। अर्थवाद नहीं करनी चाहिए। सातवां, नाम के बल पर पाप कर्म करना, नाम को यूज करते हुए पाप कर्म करना, ये सबको डिटेल्स में चर्चा करेंगे, आप घबराइए मत, भाग क्यों रहा हूं, डिटेल्स में एक एक चर्चा करेंगे। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान, जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको ऐसे समझना, एक तो काल्पनिक समझना भी अपराध है, एक ये समझना कि ये जो वेदों में वर्णन है ना, ये कर्म कांड के समान है, ये भी एक अपराध है। नवा, अश्रद्धाल व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना, जो श्रद्धाहीन है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, नास्तिक, एकदम नास्तिक है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, उसको हरि नाम का महिमा उपदेश देते रहना, उसको इच्छा ही नहीं, उसको हम उपदेश देना चाहते, वो भी एक प्रकार का अपराध। दसवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप में पूर्ण विश्वास नहीं होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी विषय के प्रति आसक्त होना, विषय आसक्ति बने रहना, ये भी अपराध है, समझ में आ रहा है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जप में पूर्ण विश्वास नहीं करना और इसकी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषयों में रमना रचना, ये भी अपराध है। फिर ग्यारहवा नंबर भी दे दिया गया है, क्या है, ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है, ये भी अपराध माना गया है, ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो, इसलिए ध्यान पूर्वक जप। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो। क्या है वो, कृष्ण प्रेम, है ना, ये दस नाम अपराध है। तो दस नाम अपराध को आप सबको याद कर लेनी चाहिए, अभी तो रटना ही होगा, जब समझ जाएंगे तो समझ कर याद करेंगे, ठीक है, ओके। तो सर्वप्रथम कौन सा है, उन महान वैष्णवों को निंदा करना जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किया है। वैसा इसके ऊपर हमने चर्चा किए हैं, जो लोग सुने उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, जैसे हमारे हरिला माता जी, चरण श्याम माता जी, ये लोग सब सुने हुए हैं ऑलरेडी, ये टॉपिक के ऊपर चर्चा हो चुकी है, फिर भी कुछ और भी इसमें स्लाइड्स ऐड किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा वैष्णव अपराध के ऊपर चर्चा समय ज्यादा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूरा हमारा वैष्णव अपराध से ही सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं भक्ति में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको समझकर इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ये वैष्णव अपराध वाला जो क्लास है, ये हो सकता है 10 हफ्ता तक चले, मुझे लगता है 10 हफ्ता तक शायद चलेगी। समझ में आ रहा है, सिर्फ वैष्णव अपराध का 10 हफ्ता चलेगी और आगे का तो पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है, तो फिर भी आप लोग को ध्यान से श्रवण करना चाहिए, ठीक है, ओके। तो हम वैष्णव अपराध का चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वैष्णव अपराध को चर्चा करने से पूर्व हमको समझनी होगी वैष्णव कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अगर महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे तो अपराध करते रहेंगे, कितना वैल्यू है। अगर हम डायमंड का वैल्यू नहीं पता चलेगा तो डायमंड को कचरे की डब्बा में डाल के रखेंगे, इधर उधर डाल के रखेंगे, वैल्यू पता चलेगा इसका मूल्य कितना है तो उसको सही सलामत कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे जो एकदम सुरक्षित हो, सही बातें कहेंगे, महिमा पता होना चाहिए। तो वैष्णव का महिमा अपार है, तो ये भजन को थोड़ा सा गा लें, थोड़ा सा समझ रहे हैं, जो भजन को मैंने अभी चर्चा किया उसमें वैष्णव का ही चर्चा हुई है, हाँ वैष्णव के महिमा थोड़ा मैं शेयर करता हूं। तो यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कबे मोई वैष्णव चिन्हिबो, हरि हरि, हे प्रभु हे भगवान, पता नहीं मैं कब वैष्णव को पहचान पाऊंगा, चिन्हिबो यानी
कब पहचान पाऊंगा मैं वैष्णव, अभी तक मैं नहीं पहचान पाया। वैष्णव चरण कल्याण रखाने, वैष्णव का जो चरण कमल है, चरणों से ले रहे हैं, देखिए वैष्णव का जो चरण कमल है वो चरण कमल कैसा है, कल्याण रखानी, कल्याण रखानी यानी कल्याण का खान है। आपने सुना होगा कोयला का खान है और सोने का खान है, रुपए का चांदी का खान है, मगर वैष्णव का चरण कौन सा खान है, कल्याण, कल्याण करने वाला है। उनके चरणों का शरण लेने से आपको कल्याण ही कल्याण होगा आपका। और जो खान होता है ना वो नॉर्मली बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है, वो खान को खोदते रहो अंदर अंदर से इतना इतना मिलता रहेगा। खास करके हमारे ओडिशा में कोयला का खान बहुत है, बहुत कोयला की खान है। तो खान में हम जब अनुगुल आदि एरिया में बहुत कोयले के खान है। हम अनुगुल एक बार गए थे अनुगुल में इस्कॉन में, तो यहाँ कह रहे थे प्रभु जी वहां पर एकदम पता है इस्कॉन के पास में खान है तो एकदम काला 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 है, वहां फैक्ट्रिया लगा हुआ है और अंदर 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 कितना खोद दिए है, अभी तक कई वर्षों से खोदा गया है, अभी तक कोयला खत्म नहीं हुआ है जो खान होता है। वैसे ही वैष्णव का चरण में कल्याण का खान है और उनका चरणों का शरण लेते रहे तो आपको कल्याण मिलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। कल्याण का खान कहा गया है वैष्णव का चरण। फिर कहते हैं माती बो हृदय धरी, कबे मुई वैष्णव के चरण को हृदय में धारण करके मैं क्या करूंगा, माती बो यानी मैं रमूंगा, मैं इसमें कब रमूंगा, वैष्णव के चरण का महिमा कब समझ पाऊंगा, ये कल्याण का खाने उसको कब मेरे हृदय में धारण करूंगा। गोपियां कहते हैं भगवान की चरण कमलों को कब हमारे हृदय में धारण करें, वैष्णव के लिए वैष्णव का चरण कमल हृदय में धारण करें। वैष्णव ठाकुर अप्रकट्य सदा, वैष्णव ठाकुर अप्रकट्य सदा, वैष्णव जो है वो हमेशा विराजमान है, निर्दोष अप्राकृत, प्राकृत नहीं है अप्राकृत, ये इंग्लिश में हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, अप्राकृत समझना। एक प्राकृत यानी संसारी वस्तु को प्राकृत कहते हैं, अप्राकृत यानी जो आध्यात्मिक, जो जो चिन्मय है, जो इस संसार का नहीं है, अप्राकृत है, ठीक है ना, अप्राकृत वैष्णव जो होते हैं वो अप्राकृत होते हैं, प्राकृत नहीं है, निर्दोष और आनंदमय। क्या क्या गुण बताया गया है, निर्दोष होते हैं, कोई दोष नहीं होता है वैष्णव के अंदर, मगर हम तो इतना दोष निकाल देते हैं बताइए मत, हमारा दुर्बुद्धि है। वैष्णव निर्दोष होते हैं और आनंदमय, हमेशा आनंद में रहते हैं, वैष्णव को भी दुखी नहीं होता है किसी भी कारण से, वो शारीरिक हो या मानसिक हो कुछ भी, उनको ना शारीरिक कष्ट सताता है ना मानसिक कष्ट सताता है। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, परम पूज्य जयप्रकाश का स्वामी महाराज जी को किसी ने बोला कि महाराज कितने आप कष्ट भुगत रहे हैं, हमारे लिए कितना आप कष्ट ले रहे हैं आप। महाराज जी आए थे शायद चेन्नई में आए थे, कोई भक्त चेन्नई में पूछे था आपने हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, महाराज बोले कौन सा कष्ट, बोले आपने कौन सा कष्ट, ना आपने बहुत कष्ट, ना कौन सा कष्ट। बाद में वो समझ गए कि महाराज शरीर के स्तर पे नहीं है इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं है, कष्ट हमको होती है क्योंकि हम शरीर के प्रति आसक्त हैं इसलिए हमको कष्ट होती है, महाराज को कोई कष्ट नहीं है, ना उनको शारीरिक कष्ट है ना मानसिक कष्ट है, ये वैष्णव होते हैं और प्राकृत होते हैं, निर्दोष ही होते हैं और आनंदमय होते हैं। और कृष्ण नामे प्रीति जड़े उदासीन, उनका प्रीति किसमें है, कृष्ण नाम में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें प्रीति नहीं है तो जड़ वस्तु में प्रीति होगी, समझ में आ रहा है ना, कृष्ण नाम में प्रीति नहीं है तो जड़ वस्तु में प्रीति होगी, कृष्ण नाम में प्रीति होगी तो जड़ वस्तु में क्या होगा, खत्म हो जाएगी आसक्ति, है कि नहीं है। यहाँ पर कहा क्या आ गया है, उदासीन, जड़ वस्तु के प्रति उदासीन, उदासीनता, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं ऐसा। तो अगर
कृष्ण नाम में रुचि बढ़ाएंगे तो ये जड़ वस्तु के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। अभी जो इतना कॉस्मेटिक लगाने का, अच्छा अच्छा पैंट शर्ट पहनने का, अच्छा अच्छा सजने का, धजने का, घर सजाने का, घर में भर देने का, ये जो जो ये सारा हमारा रुचि है ना, ये इसके लिए, क्योंकि नाम में रुचि नहीं है, इसके लिए ये सारा में रुचि लग रही है हमको। एक बार नाम में रुचि होगा ये सब फीका, अरे छोड़ो टाइम पास है, टाइम वेस्ट कौन करे। सत्य बात है, बोले प्रभु जी आप लोग ब्रह्मचारी लोग बड़े बड़े बात कर सकते हो, मगर हम तो घर गृहस्थी वाले, घर नहीं सजाएंगे तो घर गृहस्थी कैसा है। माताएं तो सजना चाहिए, धजना चाहिए, आप ऐसे बार बार बोलेंगे कैसे चलेगा। नहीं, सजना चाहिए, धजना चाहिए, इतना भी नहीं है कि उसी में रम जावे और ना भजन कर पा रहे, ये बात ये होती है। कहा गया है जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हिंदी लेक्चर में सुन रहा था, शरीर का जितनी चाहिदा है, जितनी कम से कम हो जाए, शरीर मेंटेन हो जाए उतना तक, ऐसे कहा गया है, उससे ज्यादा नहीं है, है कि नहीं। जो जिसका मारुति इको में काम चलेगा, मर्सिडीज लेके क्या करना है, ऐसा है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा मत बोलना कि मर्सिडीज नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेके मंदिर में सेवा में लगा सकते हैं आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मारुति इको 4 लाख की गाड़ी में काम चल सकती है, तो क्यों 15 लाख की गाड़ी लेना, ऐसा है। तो जितना हो सके काम निकल जावे अपना, तो ये है। तो जो वैष्णव होते हैं उनका नाम के प्रति बहुत रुचि है। मैंने बताया था एक बार, बार बार बताता रहता हूं, हमारा भक्ति में प्रगति का मापदंड क्या है, कितना नाम में रुचि बढ़ रही है, यही मापदंड है। नाम जपने में जितना रुचि बढ़ रही है, हमारा भक्ति में उतनी प्रगति हो रही है, सिंपल है। नाम जपने में रुचि नहीं है, भक्ति में कहां से प्रगति हुआ जी। जिनका रुचि बढ़ गई है, ठंड 3 डिग्री 2 डिग्री क्या माइनस डिग्री में भी सुबह उठ के 4 बजे जपेंगे अगर रुचि है तो। रुचि नहीं है तो 10 बजे तक उठेंगे नहीं, बहाना देंगे कि सुबह ठंड है, कैसे उठेंगे हम। ठंड सिर्फ क्या आपके लिए ठंड है कि सबके लिए ठंड है, ठंड सबके लिए है ना, है कि नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं जो भक्त हैं, नाम में रुचि हो गई है, जो सिंसियर है वो कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भक्ति की चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं ना। दुनिया उठने से पहले अपना जप हो जाए, दुनिया जगने से पहले, यही तो मुनि है। मुनि का अर्थ गीता में क्या कहे हैं, पश्यतो मुने यस्यम जागृति संयमी तस्यम जागृति। जब संयमी लोग मीन्स क्या करते हैं, जागते हैं उस समय, वो जो संसारी लोग क्या करते हैं, वो लोग सोए रहते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, जब संसारी लोग सोते हैं, यस्यम जागृति संयमी, उस समय संयमी लोग जग जाते हैं। तो देखिए, घर में दूसरे लोग जगने से पहले उठ के 16 माला कर लो, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उठने के बाद टिफिन बनाओ, ये करो, मेरे कपड़ा का आयरन करके दो, ऑफिस जाना, ये करना वो करना, हंगामा होगी, भजन नहीं होगी, जप नहीं होगी। सबसे पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाम में रुचि बढ़ गई है तो संसार की चीजों के प्रति रुचि अपने आप, आपको आपको फोर्सफुली टीवी देखना बंद करना नहीं है। आप नाम में रुचि बढ़ा दो, टीवी देखना ही बंद हो जाएगा अपने आप। आपको फोर्सफुली सिनेमा का गाना सुनने का बंद करने का जरूरत नहीं है। आप नाम में इतना रुचि बढ़ा दो कि सिनेमा का गाना सुनते ही आपको जैसे इरिटेट होगा, क्या दिमाग खराब करने वाला चीज है। अभी तो अगर वो आती है ना नवरात्रि के समय पर, हर मोहल्लों में बजता है ना गाना, बजता है, डंडिया खेलते हैं, तब तो हम घर में मजा लेते, वाह बहुत अच्छा गाना बज रही है, 12 बजे तक रात को तो मजे ही लेते हैं गानों को सुनते सुनते। क्यों रुचि है, क्योंकि नाम में रुचि नहीं है। जिनका नाम रुचि, अरे दिमाग खराब है, सोएंगे सुबह उठ के जपेंगे लोग, कहाँ ये माइक वाइक लगा के रखे, परेशान हो जाएंगे। रुचि वैष्णव का नाम में इतना रुचि हो जाते हैं कि वो जड़ वस्तु के प्रति बिल्कुल उदासीन दिखाते हैं। और जीवे रो दयाद्रह, जीव के प्रति दयाद्र, हमेशा दया हृदय, उनका दया दया वाला हृदय है। अभिमान ही न भजने प्रवीण, अभिमान ही न, अभिमान अहंकार, अभिमान कहते हैं ना, अभिमान ही न, यानी अहंकार से मुक्त, बिल्कुल अहंकार नहीं होता है वैष्णव का। मैंने बोल रहा हूं जो भी चर्चा हो रही है अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, ये सब गुणों को डेवलप करनी है अपने अंदर, दूसरों को नहीं देखना है। वो वैष्णव बोल रहा है अपने आप को, मगर वो कितना क्रोधी है, कितना अहंकारी है ना, इसके लिए नहीं है।
ये वैष्णव का जो गुण है ये हमारे अंदर डेवलप करने की चर्चा हो रही है जी, दूसरों को देखने के लिए नहीं। अभिमान शून्य ही न भजन है प्रवीण, प्रवीणता किसमें? भजन में। भजन यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, ये सारा भजन है हमारा, नवदा भक्ति हमारा भजन है जी। तो भजन में इतना प्रवीण रहता है, इतना निमग्न रहता है, उसको टाइम ही नहीं है दूसरा बारे में सोचने के लिए, ये वैष्णव है। और अंतरे बाहिरे निष्कपटा सदा, सॉरी हाँ हाँ, अभिमान ही ना भजन प्रवीण विषय अत्य अनासक्त, विषय भोग से बिल्कुल अनासक्त है, विषय भोग से वो उसको बिल्कुल मीन्स पक गया है। और अंतरे बहिरे निष्कपट सदा, अंतरे बहिरे हम लोग का बहिरे है, अंतरे नहीं है, हम निष्कपटता दिखाते हैं बाहर से, अंदर से नहीं है निष्कपटता, कपटी है, बाहर से दिखाना पड़ेगा ना अच्छा वैष्णव है हम, इसके लिए हम बाहर से ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोग बोले कितना अच्छा है, कोई कपटता नहीं है देखो, मगर हृदय में बहुत कपटता है। मगर जो वैष्णव है, यानी ये सब पढ़ने से ये सब सुनने से लग रहा है कि हम तो वैष्णव है ही नहीं अभी तक, फिर अभी तक वैष्णव नहीं है, ये सारा कब गुण डेवलप करेंगे तो हम वैष्णव बन पाएंगे। तो निष्कपट विषय अनासक्त अंतर बहिरे निष्कपट सदा, ऐसा नहीं कभी कभी, हमेशा के लिए निष्कपट रहते हैं, नित्य लीला अनुरक्त, हमेशा भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला में अनुरक्त यानी आसक्त। अनुरक्त यानी क्या है? एक विरक्त और एक अनुरक्त। अगर कृष्ण नाम में, कृष्ण लीला में, भक्त लीला में अनुरक्त नहीं हो तो क्या होगा? भौतिक संसार में आसक्ति होगी, अनुरक्त होगी। यहां अनुरक्ति हो जाएगी भक्ति में तो संसार के प्रति विरक्ति, संसार के प्रति हम इतना आसक्त हो गए इसलिए भक्ति के प्रति विरक्त हो चुके हैं। इतना बड़ा वैरागी हम लोग, हमसे बड़ा वैरागी संसार में कोई नहीं होगा। आपने सुना ना, वो एक व्यक्ति जाके साधु बन गया, कई सालों के बाद घर पे आया, उनके भाई वगैरह उनको इन्वाइट किए थे, घर पे आया तो सब लोग गांव वाले आए और सारे घर वाले बड़ा गुणगान कर रहे थे, कितना बड़ा बैरागी देखो, कितना महान है ये, सब छोड़कर साधु बना हुआ है। तो बोला मैं क्या बैरागी हूं, आप लोग महान हो, आप लोग बड़े बड़े बैरागी हो। गांव वाले बोले हम कौन सा बैरागी, बोले बैरागी नहीं मैंने संसार त्यागा हूं सिर्फ, आप लोगों ने भगवान को त्याग दिए हो, कितना बड़ा बैरागी हो आप लोग, भक्तों को त्याग दिए, भगवान को त्याग दिए, तो आपसे बड़ा बैरागी और कौन हो सकता है। तो यही हम लोग का स्थिति है, हमने वैष्णव त्याग दिए हैं, हम वैष्णव सदाचार त्याग दिए हैं, हम भजन त्याग दिए हैं, हम भक्ति त्याग दिए हैं, तो हमसे बड़ा वैराग्य और कौन हो सकता है। तो यहाँ पर भक्तों का, वैष्णव का क्या कहते हैं, कहते हैं नित्य लीला अनुरक्त, भगवान की लीला, भक्तों की लीला में आसक्त रहते हैं। कौन सा श्लोक है? श्रम है वही केवलम, विश्वक्षेन कथासुय न उत्पादयति जतिरतिम, भागवत का श्लोक है, पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का श्लोक है। विश्वक्षेन कथा, अगर भगवान की कथा में रति, न उत्पादयति रति जतिरतिम, अगर भगवान की कथा में रति उत्पन्न नहीं हुआ, श्रम है भाई कैवलम, कहा गया है सिर्फ श्रम है, सिर्फ वृथा श्रम कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट कहते हैं, टाइम वेस्ट। भगवत कथा में जिसका रुचि उत्पन्न हो गई है उसको संसार की हर एक वस्तु फीका लगेगी, विरक्ति हो जाएगा उसका, प्रयास करने का जरूरत नहीं है विरक्ति बनने के लिए। आसक्ति को बढ़ाइए किसके प्रति? भगवान, भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ाइए तो क्या होगी, संसार के प्रति विरक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो नित्य लीला अनुरक्त, कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणे, कनिष्ठे आदर मध्यमे प्राणति उत्तमे शुश्रूषा सुने,
तीन प्रकार के वैष्णवों को जब देखता है वो क्या करता है, त्रिविध गणी तीन प्रकार के वैष्णवों को समझकर क्या करता है, कनिष्ठ आदर है, जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं उनको आदर देते हैं, और जो मध्यम वैष्णव उनको प्रणति, और जो उत्तम वैष्णव है सुश्रूषा सुने उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उनका सेवा करते हैं। फिर जे जने वैष्णव चिनिया लोइया आदर करीब जबे वैष्णवेर कृपा जहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइब तबे। जब आप वैष्णव को पहचान लेते हो, चिन्नी वो लोइया, जब आप वैष्णव को पहचान लेते हो आदर करीब जबे, जब आदर करते हो पहचान करी वैष्णव है। रूपा जी एक जगह में बोले वैष्णव कौन है, जो भी छोटा सा छोटा भी सेवा करता है वैष्णव है। महाप्रभु कहते हैं कुलीन ग्रामवासी जब आके महाप्रभु को पूछते वैष्णव कौन है, महाप्रभु तीन साल में तीन उत्तर देते हैं। पहले साल कहते हैं जो भगवान का नाम एक बार भी उच्चारण किया वैष्णव है, दूसरा जो भगवान का निरंतर नाम जप करता है वैष्णव है, तीसरा जिनको देखकर दूसरा व्यक्ति के मुख में नाम उच्चारण हो जाता है वो वैष्णव है, वैष्णव है। और दूसरा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप क्या है, आवाज आ रहा है ना मेरा, जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास, यानी हर इस संसार में सब जीव भगवान का दास है, सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि भूल चुके हैं, ये प्रॉब्लम है, मगर दास तो है ना भगवान के, अगर भगवान की दास है इसका मतलब कौन है, वो सब वैष्णव है जी, सारे जीव वैष्णव है, देखा जाए तो संसार में सभी वैष्णव है, क्यों, सभी लोग भगवान के ही अंश है, भगवान के अंश होने के नाते सभी वैष्णव है, यानी हर एक जीव को हमारा आदर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं भक्ति संदर्भ में वर्णन किए इस बात को, संसार में हर एक जीव जो है वैष्णव है, ऐसा ऐसा प्रमाण है, ऐसे बोलने के लिए नहीं, प्रमाण है इसका, बताया गया मेरे आचार्य बोले हैं। तो जे जन वैष्णव चिनिया लॉय, जो वैष्णव को पहचान लिए आदर करिवे जबे, जब आदर करते हैं पहचान कर वैष्णव कृपा जहे सर्व सिद्धि, उनको वैष्णव का कृपा होती है, बिना सेवा का कृपा हो जावे, प्रभु जी कृपा करिए, प्रभु जी कृपा, गुरुदेव कृपा करिए, क्या कृपा नहीं किए हैं, क्या बात कर रहे हैं, कृपा नहीं हुई है गुरुदेव की वैष्णव की, कृपा कर रखे हैं हम, कृपा ले नहीं रहे हैं, कृपा हो रही है हम नहीं ले रहे, प्रॉब्लम हमारा है उनका नहीं है, कृपा हुई है, हम हमेशा प्रभु जी कृपा करिए ना, प्रभु जी कृपा करिए ना, महाराज जी कृपा करिए ना, गुरुदेव कृपा करिए ना, क्या बात कर रहे, कृपा कर रखे हो आप, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक में भेजा है, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फ्रेंड कैसे बनोगे उसका, एक्सेप्ट करो भैया, समझ में आ रहा है ना, कृपा तो भेज रखे भगवान ने, आप एक्सेप्ट ही नहीं किया है अभी तक, समझ में आ रहा है ना, एक्सेप्ट तो करना पड़े, तो भगवान वैष्णव कृपा कर रखे हैं, कृपा अरे इतने इतने हमको आदेश उपदेश देते हैं वैष्णव लोग का, कृपा नहीं है वो, यही तो कृपा, और क्या कृपा, कृपा यानी कुछ ऐसा घोल के पिलाने वाले हैं क्या आपको कृपा, ना 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 ना, कृपा यानी जो आदेश उपदेश वैष्णव देते हैं यही कृपा है, आदेश उपदेश ही कृपा है उनका, कृपा दृष्टि जो हमको देख लेते हैं वही कृपा है, और क्या कृपा चाहिए, कृपा मिला हुआ है वैष्णव साधु गुरु वृंद से, कृपा मिली है, प्रॉब्लम है हम रोक रखे हैं, हम उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्यों, हम कहते हैं स्थान काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा थोड़ा लूंगा, इतना जल्दी विरक्त तो थोड़ी बननी है, अभी तो अभी थोड़ा आसक्ति रहने दो, धीरे 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 विरक्ति बननी है, यानी कृपा अभी नहीं लेनी है, दरवाजे के सामने दरवाजा खटखटा रहा है कृपा, बोलते वेट 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 वेट, वेट थोड़ा काम कर लूं घर गृहस्थी का, फिर आता हूं, फिर आपको स्वीकार करता हूं, वेट करिए, हम वेट करा रहे हैं कृपा को, कृपा हो चुकी है, हुआ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, वैष्णव कृपा, और ये जो वैष्णव का कृपा कैसा है, जहां सर्व सिद्धि, जिसको वैष्णव का कृपा प्राप्त होगी उसको सारा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो इच्छा वो कर सकते हैं आप, हाँ जी अवश्य पाइवे तवे, वैष्णव का सेवा के बिना कृपा नहीं होती है, सेवा करनी पड़ती है, जब सेवा करते हैं कैसे सेवा, पहचान कर, बाहर से तो सेवा करते हैं, अंदर से ये थर्ड क्लास का वैष्णव है, ये कनिष्ठ है, मैं इससे बड़ा हूं, सेवा कर रहे हैं, आइए हमारे घर पे प्रसाद लेने, प्रसाद भी खिला रहे हैं, दिमाग में मनो में क्या चल रहा है, ये चल रहा है कि ये तो थर्ड क्लास का भक्त है, मैं इससे बड़ा हूं,
प्रणाम कर रहे वंशा कल्पतरु वैश्य, दिमाग में चल रहा है ये थर्ड क्लास में कल्प व्यक्ति है, प्रणाम तो कर रहा हूं, फॉर्मालिटी से कृपा नहीं मिल जाएगी, हृदय खोलना पड़ेगी जी, हृदय खोलोगे वैष्णव के सामने तब कृपा को प्राप्त कर सकते हो। हृदय में वैसे कपटता रखकर चैतन्य महाप्रभु तीन जन के ऊपर कृपा करते ही नहीं, उसमें सबसे पहला है कपटी व्यक्ति के ऊपर कृपा ही नहीं करते ना, बिल्कुल ना, वैष्णव अपराधी, कपटी, तीसरा विषय भोगी, वैराग्य आश्रम में रखे विषय भोगी, विषय आसक्त व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं होती है। महाप्रभु पापी तापी जत छिलो सबको उद्धार करे, कपटी लोगों को नहीं किया, अपराधी लोगों को नहीं किया, और विषय भोग में जो रचे हुए हैं, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको नहीं कृपा किया। तो इसके लिए भक्तों कृपा चाहिए तो हृदय को सॉफ्ट करनी होगी, दैन्यता का भाव बढ़ानी होगी सेवा का भाव से, और क्या बोलते हैं, अनुताप करते हुए जब वैष्णवों का सेवा करें, गुरुदेव का सेवा करें, भगवान का सेवा करें, तब वो सेवा शायद स्वीकार। अभी मैं आपको प्रमाण दूंगा जी, कैसे अपराधी लोगों का सेवा पूजा स्वीकार्य नहीं है, भागवत प्रमाण बताऊंगा मैं आपको। तो वैष्णव का कृपा हमको सारा सिद्धि दिला सकता है, अवश्य पाए वो तबे, तब आप ये अवश्य प्राप्त करोगे जब वैष्णव का सेवा करोगे, जब आदत दोगे। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, आहा क्या बोल रहे भक्ति, वैष्णव का चरित्र सर्वदा हमेशा पवित्र है, हमेशा पवित्र रहता है। एक भक्त तो हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं गंगार परसो हो, गंगा इतना पवित्र है उसको जब डुबकी लगाओगे पवित्र आप हो जाओगे, गंगारे परसो है पाश्चात्य पावन, और मगर कहते हैं गंगा में डुबकी लगाओगे तब पवित्र होगा, और दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण, अरे वैष्णव आपको तो दर्शन करके पवित्र, आपको स्पर्श करने का भी जरूरत नहीं। कोई कोई गुरुदेव आते तो अमूढ़ जाते हैं, चरण चरण पकड़ लो, अरे बाबा दर्शन करके पवित्र हो जाओगे तो चरण की बात तो दूर की बात है, गुरुदेव का सिर्फ दूर से दर्शन कर लिया तो पवित्रता है। रोज सुबह परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी दर्शन देने के लिए आते हैं जी, दर्शन देने यानी हमको पवित्र करने आते हैं। सुबह सुबह पवित्र हो जाओ भक्तों, दिन भर आपका मंगलमय होगा, सुबह सुबह पवित्रता करते, वो आपको पवित्र बनना है कि गंगा घाट और यमुना घाट कहाँ कहाँ जाना पड़े, इतना दूर मत जाओ, आपके घर में आ रहा हूं मैं पवित्र करने के लिए, सुबह जग जाओ बस 5:15 बजे जग के बैठ जाओ, मैं आपको पवित्र कर दूंगा। आहा हा क्या ये वैष्णव का कृपा देख लो आप, इतना कृपा है, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है जी, हृदयंगम करने की बात है ये, सिर्फ 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 दर्शन करके पवित्र हो जाएंगे हम लोग, ये वैष्णव है। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, हमेशा पवित्र है, हमको दिखने में कुछ कमी दिखता होगा, क्यों हमारे आंख को आज तक कौन सा चीज है कि अच्छा दिखा, सब तो कमी दिख रही है संसार में, जब संसार में ही कमी निकाल दिया तो हम वैष्णव के अंदर तो कमी निकालते ही है। हमारा आंख 200 दृष्टि है, हमारा बुद्धि 200 दृष्टि है, दोष ही दोष है, इसके लिए हम जिसको देखते हैं वो भी तो हमको दोषी लगते हैं, उनके अंदर कमी दिखता है, मगर वैष्णव के अंदर कोई कमी नहीं है। ओके, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जे निंदे हिंसा करी, ऐसे वैष्णवों को जो निंदा करता है, भक्ति विनोद ना संभाषे तारे, भक्ति विनोद तो उनके साथ ना बात करते ना उनके पास जाते ना उनको क्या करते, थाके सदा मौन धरी, उनके साथ नहीं बात करते, मौन व्रत धारण करते, उनसे बात ही नहीं करते, यानी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अरे भक्तों जो वैष्णव निंदक है उनसे बात भी मत करो, उनसे दूर रहो, वैष्णव निंदकों से दूर रहिए। हम खुद ही वैष्णव निंदक है जी, दूसरों से क्या दूर रहेंगे, दूसरों से दूर रहने के बाद क्या हम खुद ही निंदा इतना करते हैं। प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प वैष्णव निंदा, प्रजल्प महाप्रजल्प है, सिर्फ प्रजल्प नहीं महाप्रजल्प, ऐसे प्रजल्प वाला व्यक्ति का भक्ति में कैसे प्रगति हो सकती है। भक्ति विनोद ठाकुर नाराज है जी, हमसे नाराज है, बात नहीं करना चाहते वैष्णव। तो हे भक्तों बड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा वैष्णवों के प्रति। ये वैष्णवों के गुण है,
हर परिस्थिति में भक्तों की संग जरूरी है जी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, हमने भक्ति में आए क्या कारण है? एक ही कारण है, कोई ना कोई वैष्णवों की संगति से, कृपा से, आशीर्वाद से। यहां पर ऐसे कोई है जो वैष्णव की कृपा के बिना भक्ति में आ चुका है? ऐसा कोई है? भक्ति का जो पेटी है ना, भक्ति का जो गोडाउन का दरवाजा का लॉक, वैष्णव खुलते हैं तभी उसका एंट्री, हमारा एंट्री होती है उसमें। वैष्णवों की कृपा से ही हम भक्ति में आए, यानी भक्ति का कारण क्या है? वैष्णव है, भक्तों का संग, ठीक है। दूसरा, आज हम भक्ति में आने के बाद भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्त सेवा कर रहे हैं, इसका कारण कौन है? भक्ति करने का कारण भी भक्त का संग है। आप एक महीना भक्तों की संगति से दूर हो जाइए। हमारे मामाली माता जी मुझे पूछ रहे थे प्रश्न, प्रभु जी ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं ये यहाँ तक ठीक है क्या? ये कितना ये है, वैष्णव के साथ के मिलना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, बिना वैष्णव के मिले ठीक है ऑनलाइन तो इसके लिए कि ऐसा परिस्थिति है, हम ऑनलाइन में हैं। मैं तो बस नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन बंद करूंगा। यहाँ काउंसलिंग क्लास के लिए मंदिर आना पड़ेगा आपको। हाँ जी, आना पड़ेगा, बंद कर दूंगा। एक तो ऑनलाइन में बैठते हैं वो भी वीडियो ऑफ कर देते हैं, वो भी इसलिए सामने आगे बैठो। जो उदयपुर के बाहर है, हमारे सिलवासा वापी आदि भक्त लोग जो बैठे हैं, उन लोग के लिए, जयपुर वाले भक्त हैं उन लोग के लिए हम ऑनलाइन में चालू करेंगे। उन्हीं को पासवर्ड दूंगा, वही ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सबको यहाँ आना पड़ेगा, उदयपुर वाले को तो मंदिर ही आना पड़ेगा, बैठ के सुनना है आप, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, तो बहुत जरूरी है। तो ये मैं कह रहा था, भक्ति में आने का कारण वैष्णव संग है, भक्त संग है। भक्ति में है आज टिके हुए हैं, ये भक्त का संग है। भक्तों से दूर हो जाइए, कहीं का नहीं रहेंगे, छूट जाएगी सारा भजन साधन भक्ति, सब छूट जाएगी। तो यानी भक्ति कर रहे हैं ये भी भक्तों का संगति की कृपा है, भक्ति की संग है, भक्त की संग के वजह से है। तीसरा, जो सर्वोच्च सिद्धि भगवत कृपा जो प्राप्त करेंगे, जो सिद्धि प्राप्त भी होगी तब भी वैष्णव की कृपा से होगी, या संबंधाभिधेय प्रयोजन, तीनों में वैष्णव का संग चाहिए। प्रयोजन यानी कृष्ण प्रेम में भी, भक्ति का फल में भी भक्त का संग, भक्त और भक्ति का जो प्रेम है यानी भक्ति का जो फल है, कृष्ण प्रेम में भी भक्ति छूट जाएगी। भक्तों का संग तो छोड़ दोगे तो कृष्ण प्रेम भी छूट जाएगी। समझ में आया? हम आज वैष्णव की कृपा से यहाँ पर है, आज कर रहे हैं कुछ वैष्णव की कृपा है, आगे जो मिलेगा ना वो भी वैष्णव का कृपा से मिलेगा। यानी हमारा जीवन, हमारा रोम रोम में, हमारे खून खून में भक्त दौड़नी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, दिलो दिमाग में भक्त भर दीजिए, भक्तों का कृपा को भर दीजिए। जब भी कुछ भी परिस्थिति आएगा भक्तों को स्मरण करिए। ग्रंथ भागवत भगवान की कृपा से ज्यादा कृपा, वैष्णव का कृपा जरूरत है हमको। वैष्णव कृपा का स्मरण करिए। किसी ने प्रश्न किया, आत्महत्या करना पाप है क्या? आत्महत्या करने का अगर ऐसे मन आएगा, वैष्णव को स्मरण कर लीजिए। क्या प्रभुपाद जी के जीवन में संकट नहीं आए हैं? क्या हमारे आचार्यों के जीवन में संकट नहीं आई है? या हमारे आसपास जो भक्त हैं उनके जीवन में संकट नहीं आया हुआ है कि हमारे हमारा ही संकट आ रही है? अरे बाबा, अरे बाबा, हमसे कहीं कहीं ज्यादा गुना ये लोग संकट में हैं, वैष्णव लोग, फिर भी उस संकट को साइड में रखते हुए अपना भजन कर रहे हैं। प्रोत्साहन मिलेगी। निरुत्साहित भक्तों के साथ, निरुत्साहित व्यक्ति के साथ रहोगे तो हम भी निरुत्साहित हो जाएंगे। प्रोत्साहित भक्तों के साथ रहेंगे तो हमेशा भक्ति में प्रोत्साहन मिलता रहे। तो यस, तो भक्ति में हमारा हर परिस्थिति में भक्तों का संग बहुत जरूरी है। मैं महिमा इसलिए बता रहा हूं, जब महिमा पता चलेगी तब वैष्णव के प्रति अपराध करने के लिए डरेंगे, कतराएंगे। अभी कतराते भी नहीं है, अपराध कर रहे, खुले आम मंग अपराध कर लेते हैं। भक्तों का संग या स्वीकृति तीन तरीके से मिलता है, वर्णन किए हैं जीव गोस्वामी पाद। कहते हैं प्राक्तनी, आधुनिक और पारंपरिक, तीन है भक्तों का संगति। कोई बोल सकता है कि मैंने इस जन्म में कोई वैष्णव संग नहीं किया
हो सकता है, प्राक्त नहीं होगी, प्राक्त यानी पूर्व जन्मों में, पास्ट लाइफ में आपने कोई वैष्णव का संग किया होगा, या आधुनिक इसी जन्म में इसी 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 लाइफ में आपने किसी वैष्णव का संग किया, भक्ति में आया, या पारंपरिक। कोई कोई ऐसे भक्त दिखने में लगते हैं ये कोई वैष्णव संग नहीं किए हैं, हम ओडिशा में कहते हैं ओ कौन दासिया और कौन सा वैष्णव संग किया है, और वो क्या बोलते बंधु महांति कौन सी वैष्णव के संग किए हैं, ऐसे ओडिशा में कुछ लोग तर्क करते हैं। नहीं, पारंपरिक यानी कैसा पता है, हो सकता है हमने डायरेक्टली कोई भक्त को नहीं मिले होंगे, आपके मित्र को कोई भक्त मिला होगा, भक्त ने गीता दिया होगा, आपके मित्र आकर आपको भगवद गीता दे दिया है, भगवद गीता आपने पढ़ के भक्त बन गए, तो ये पारंपरिक है, यानी कोई भक्त के माध्यम से ही आपके पास आया है भक्ति। समझ में आ रहा है ना, आपके घर में भगवद्गीता नहीं था, पिताजी लेके आ गए भगवद्गीता, पिताजी को कोई भक्त मिले थे, वो भगवद्गीता लेके आए घर पे रख दिए, तो आपने देखा भगवद्गीता है, आपने पढ़ने शुरू किया, प्रभुपाद जी का संगति शुरू किया, आपने भक्त बन गए, ये पारंपरिक है। तो कारण कहीं ना कहीं भक्तों की संगति है भक्ति में आने का, प्राक्तनी हो सकती है, आधुनिक हो सकती है, पारंपरिक हो सकती है, मगर है तो है भक्ति में, जो भी है उसका कारण भक्त का संग ही है और कुछ नहीं है, ये कारण बताते हैं स्वीकृति का। तब भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यम भवसितो हिस, मेरे पीछे बोलेंगे, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यम भवसितो हिस। क्या कह रहे हैं, ये भगवान का वाणी है जी, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं, अपि से सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है, सुदुराचारी है, फर्स्ट क्लास दुराचारी है, सुदुराचारी मीन्स बढ़िया वाला दुराचारी, सुदुराचारी बताया गया ना, सु यानी अच्छा, दुराचारी बढ़िया वाला दुराचारी व्यक्ति, यानी बहुत दुराचार कर रहा है, दुराचार यानी दुष्टाचार, दुष्टाचार समझ में आ रहा है ना, दुष्टाचार दुराचार अगर है, दुराचारी है, मगर भगवान कहते हैं भजते माम, मगर मेरा नाम जप कर रहा है, दुराचारी है, थोड़ा उसका स्वभाव है दुराचारी का, मगर भजते मेरा भजन कर रहा है, माम कम मेरा भजन कर रहा है, तो मेरा क्या मत है, समंतव्य मेरा क्या मत है, साधु रे वो साधु है। अगर गलती कर लेता है, गलती करने का प्रवृत्ति है जीव का, गलती कर लेते हैं हम, तो उस गलती को इतना 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 एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, बेचारा कहीं का नहीं रहता है भक्त, गलती हो जाती है, सबसे होती है, हमसे भी होती है, हमसे होती है हम छुपा दिया है, किसी का पकड़ में आ गया है, प्रॉब्लम मीन्स यही अंतर है, हमने भी गलती करते हैं, हम पकड़ में नहीं आए, किसी का पकड़ में आ गया तो हम उनको एडवर्टाइजमेंट कर लेते, उसने ऐसे गलती किया, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, गलती करने का स्वभाव है, दुराचार करने का स्वभाव है हमारा, तो कोई बात नहीं है, दुराचार कर रहा है मगर प्रयास कर रहा है, सुबह उठ के जपता है, कथा सुनता है, भगवान को भोग लगाता है, सेवा करता है, मंदिर में आके वैष्णव का संगति में रहकर सब कार्य करता है, प्रयास कर रहा है वो, भजते भज 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 शब्द का अर्थ समझ जाइए, भज यानी कृत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ये सारा भजन है, कर रहा है कोई ना कोई भक्ति के अंगों को पालन कर रहा है, कोई जप नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं सेवा में लगा हुआ है, हो सकता है जपता नहीं है मगर सेवा में लगा हुआ है, कोई बात नहीं कोई सेवा नहीं करता है जपता नहीं है, वैष्णव की संगति में उसको अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने मीरावड में जब था कुछ यूथ है, उनको ब्रह्मचारियों के साथ अच्छा लगता था, जपते नहीं है, कभी नहीं जपते थे वो लोग, और यहाँ तक कि मंदिर में आके कोई सेवा भी नहीं करते थे, वो आते थे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए कि प्रभु जी के साथ मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे और थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगी प्रभु जी के साथ, उसके लिए भी आते हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम साधुओं के साथ में आते हैं, ब्रह्मचारियों के साथ में आना चाहते हैं, भक्तों के साथ मिलना चाहता है, कुछ लोग भक्तों के साथ में बड़ा आनंद लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, मगर वैष्णव के साथ में उनको अच्छा लगता है, साधुओं के साथ इतना भी कोई करता है ना तो भी वो साधु है, भगवान बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, साधु रे वो साधु है, गलतियां करता है कोई बात नहीं है, साधु मानो उसको, साधु रे वो स्वमंतव्य मेरा मंतव्य है, क्या हम भगवान से बड़े हैं जी, हम उसको काट देंगे, स्वमंतव्य सम्यम बाबा सितो ऐसा बोले, कैसे आपने साधु बोल दिया भगवान ने,
इतना दुराचार काम कर रहे हैं, आप उनको साधु बोल रहे हो? भगवान बोलते हैं कि अरे बाबा कोई बात नहीं है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरे पीछे बोलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। बोल रहे कि हे अर्जुन शंका मत करो, क्षिप्रम अतिशीघ्र क्या हो जाएगा, भगवती धर्मात्मा वो क्या है ना, है तो दुरात्मा है कि नहीं है, है तो दुराचार कर रहा है, मगर ये भजन कर रहा है ना मेरा, तो इसके लिए क्षिप्रम बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो धर्मात्मा बन जाएगा, चिंता मत करो, कर रहा है ना कार्य, रुका नहीं, रुका देगा तो प्रॉब्लम है, रुका नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है, कर रहा है, समझ रहे ना रजनी माता जी, छोड़ना नहीं है, करते रहना है, शादी आ जाए, कोई मर जाए, ये हो जाए वो कर, अपना भजन नहीं छोड़ना है, भजन करते रहना है, सबके लिए है, रजनी माता जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी, मैं बोल रहा हूँ बस माता जी को बहुत दिन के बाद आए ना, बार बार माता जी की तरफ जा रहे हैं सबके लिए है, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अरे भौतिक संसार के लोगों का इतना उत्साह है, हम होंगे कामयाब, इतना इन लोगों की उत्साह है, बताओ कितना भी विफल होते तो भी झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब। अरे भाई हम क्यों अपना पतित पावन झंडा को नहीं उड़ाएंगे, हम भी पतित पावन झंडा से गाड़ना है अपने को, हमारा भी उत्साह होनी चाहिए, हम एक दिन तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, एक दिन तो अच्छा नाम जप कर पाएंगे, उत्साह को नहीं त्यागना, ध्यान रख लो। कोई भक्त कुछ भी नहीं कर पाता, उत्साह खूब है, वो उत्साह से आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं कर पा रहा है मगर उत्साह खूब है उसके मन में, नहीं यार करना है, एक भी गीता नहीं नहीं, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया मगर उत्साह इतना यार हजार करनी है मेरा, उत्साह खूब है, कोई बात नहीं, उत्साह बहुत बहुत बड़ी बात है, उत्साह से वो कर देगा। तो भगवान कहते हैं वो है दुरात्मा, है दुराचार व्यक्ति है, मगर वो भजन कर रहा है ना, मैं जानता हूं वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, क्यों मेरा भजन में लगा कृपा मिलेगी ना इसको, मेरा भजन में कोई किसी को भी ऐसा नहीं हुआ कि विफल गया उसका भजन, ध्यान रखो हमारा भजन विफल नहीं जाती है, छोटा सा छोटा सेवा भी विफल नहीं होगी हमारा, इसलिए प्रभुपाद जिसको कहते थे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट, बैंक खाता आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है, ट्रांसेंडेंटल बैंक अकाउंट है ये, इसमें छोटा सा छोटा प्रयास भी सेव होके रहता है, वो व्यर्थ नहीं जाती है, तो उत्साह में रहना चाहिए, मैंने जब कल किया कोई बात नहीं, नहीं हुआ अच्छे से आज करूंगा ना, आज नहीं हुआ कल करूंगा, उत्साह में रहिए जी। फिर भगवान ने बहुत बड़ी बात कहते हैं, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन प्रति जानी ही, आप समझ जाओ और सबको समझा दो ये बात को बढ़िया से, समझ जाओ प्रकृति रूप में जानी ही, जान लो बढ़िया से और दूसरे को समझा लो, पूरा संसार भर में ऐलान कर लो, क्या नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भजन में जो है वो भक्त है, वो भक्त का कभी नाश नहीं होता है, भगवत वाणी है जी ये, भगवान ने स्वयं गीता में बोले हैं, भक्त का कितना महिमा दे दिया भगवान बता, ओहो दुराचारी व्यक्ति को भगवान साधु बोलते हैं अगर भजन करते हैं तो, हम क्यों भक्तों के अंदर निंदा करेंगे, भक्तों का अवगुण देखेंगे क्यों, क्या जरूरत है हमारा, क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, जो चीज हमारे भक्ति में बाधक है उसको दिमाग दिलों से निकाल दीजिए जी। भक्त कैसे हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम हम वैष्णव परार, सबसे प्रिय भगवान का कोई है तो उनके भक्त हैं, सबसे प्रिय, सबसे प्रिय भगवान को लक्ष्मी जी भी प्रिय नहीं है, बोले लक्ष्मी जी भक्त नहीं है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, गजराज, गजराज का उद्धार का जब बात हुई, गजराज कितना टाइम हो गया जी, 8 बज गया हाँ जी, तो गजराज संकट में 1000 साल युद्ध किया, कितना, 1-2 दिन थोड़ी ना है, ग्रह के साथ मगर मगरमच्छ हाँ, यानी जिसको क्रोकोडाइल कहते हैं, 1000 साल युद्ध हुआ और गजराज जी अपना सारा शक्ति खो बैठे अंत में, और कोई आश्रय नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किए, भगवान को पुकारे, हे हरि हे अनंत हे गोविंद रक्षा करो, त्राहि माम
उस समय क्या स्थिति थी, भगवान ने अपने धाम में वैकुंठ में गरुड़ के ऊपर विराजमान थे, दोनों लक्ष्मियां भूदेवी श्री देवी को दोनों तरफ बैठे हुए थे, गरुड़ के ऊपर विराजमान है भगवान गरुड़ जी के ऊपर, और दोनों भूदेवी श्री देवी दोनों साइड में बैठे हैं और प्लानिंग क्या कर रहे थे, आज कहां घूमने चलना है। भगवान का काम भी क्या है, घूमते रहना है अपनी पत्नी के साथ, घूमना है और क्या काम है उनका, काम का संभालने वाले ब्रह्मा विष्णु है, सॉरी ब्रह्मा शिव आदि देवी देवता है, उनको क्या काम करना है, कोई काम नहीं उनको, तो बात बढ़िया से आनंद लेनी है। तो दोनों लक्ष्मियां बाजू में बैठे हैं, श्री देवी भूदेवी मुख्यम लक्ष्मियां, ऐसे तो सहस्र हैं हजारों लक्ष्मियां, मगर मैं भूदेवी श्री देवी बाजू में बैठे हैं गरुड़ में बैठे, गरुड़ गरुड़ चल रहा है, अभी तो उड़ नहीं रहा है, चल रहा है गरुड़ चल रहा है, होते ना कभी कभी गाड़ी में बैठे हैं कार में बैठे और चल चल कहां चलना है, लॉन्ग ड्राइव में चलना है, शॉर्ट ड्राइव में चलना है, कहाँ चलना है, किधर चलना है, प्लानिंग होती है। तो वैसे भगवान का प्लानिंग हो रही थी, दोनों लक्ष्मियां बैठे हुए थे। आचार्य लोग इसको कमेंट्री करते हैं, आचार्य लोग कहते हैं उस समय जब बैठे की चर्चा हो रही थी तो तब तक यहां से पुकार सुनाई दिया। अब बताओ मरते लोग से पुकार भगवान वैकुंठ में सुनते हैं, कोई कोई बोलते मेरे पुकार तो भगवान सुनते ही नहीं है, आपने किया क्या हृदय से पुकारो, नहीं सुनेंगे क्या, किया ही नहीं हृदय से पुकार, तो हृदय से पुकारने का, हे हरि हे भगवान, अरे भाई साड़ी बढ़ाने के लिए आ गए हैं द्रौपदी के पास तो हमारे क्यों पुकार नहीं सुने वे, सुनेंगे ना ठाकुर जी, हृदय से पुकारना जरूरी है। विकट स्थिति में पड़ने से कैसे पुकारते हैं व्यक्ति, विकट मृगिणी ने पुकारा, मृगिणी का स्टोरी सुना है आपने, मृगिणी जंगल में घोर संकट में पड़ गई, मृगिणी पुकारी भगवान को, भगवान चारों तरफ से रक्षा कर ली। तो यहां पर गजराज जी महाराज फंस गए थे ग्रह के मुख में, तो पुकार रहे हैं भगवान त्राही माम रक्षा करो, ये कथा से विराम दे दूंगा चिंता मत करिए। जब पुकारे तो भगवान के कान में एकदम जोर जोर से आवाज आने लगा, कोई मुझे पुकार रहा है, गजराज संकट में है, पूर्व जन्म में ये महान भक्त था, वैष्णव अपराध कर लिया तो इस जन्म में हाथी बनना पड़ा, मेरा भक्त है मुझे पुकार रहा है। भगवान क्या किए, गरुड़ चलो चलो जल्दी चलो, गरुड़ को बोले जल्दी चलो, दोनों लक्ष्मी बोले कहां चलना है, प्लानिंग तो अभी तक नहीं हुआ है, अरे हटो आप दोनों, भगवान ने दोनों पैर से दोनों को लात मारे, दोनों लक्ष्मी नीचे गिर गए गरुड़ जी से, दोनों नीचे, और गरुड़ को बोले निकलो, गरुड़ बोलते जाना कहां है वो तो बताओ, अरे गज गज के पास जाना है, गजराज के पास जाना है। भक्तों आप सुन के आश्चर्य होंगे, भगवान ने गज बोले, ये गज बोलने के समय कितना समय लगता है गज बोलने में, एक सेकंड भी नहीं लगा, गज गज गजराज पूरा नहीं बोले थे, गज बोले, वैकुंठ लोक में सबको सुनाई दिया ग, ज बोलने से पहले गजराज के पास पहुंच गए थे भगवान, समझ में आ रहा है, गज बोलने में कितना टाइम लगता है, कुछ एक सेकंड भी नहीं लगता है। भगवान का तत्परता देखो भक्तों को रक्षा करने में, भगवान ने दोनों लक्ष्मियों को लात मारे, बोले कि बाद में चर्चा होगी कहां जाना है, अभी पहले नीचे उतरो आप लोग गाड़ी से, टाइम नहीं है। गरुड़ को बोल रहे निकलो, गरुड़ बोला जाना कहां है, भगवान बोलते गजराज के पास जाना है। तो पूरा वैकुंठ में जो भी भक्त थे वो ग सुने थे, समझ में नहीं आया ग कहां गए, कहां गए होगे ग, ग भगवान ने वहां से निकल गए, भगवान वैकुंठ से निकले, सब लोग कंफ्यूज में गए कहां, ग बोल के निकले, ज बोलने से पहले, और ये ग ज के बीच में क्या हुआ पता है, आश्चर्य की बात है भक्तों, ये ग ज गज बोलने के बीच वाला समय भगवान गरुड़ को बोलते तो इतना स्लो नहीं काम बनेगा, वहां भक्त संकट में तो इतना स्लो चल रहा है, और गरुड़ का तेज कितना पता है, मन गति से चलने वाला है गरुड़, इतना तेजी गति में चलता है। और यहां भगवान बोलते हैं गरुड़ एक काम करो, आप मेरे कंधे पे बैठो, मैं चलता हूं। उस बीच का समय पर, गज बोलने के बीच का समय पर भगवान ने गरुड़ को कंधे पे बिठा के भगवान चले, और भगवान जब नजदीक पहुंच गए गजराज के पास, तब सोचे गरुड़ आपके ऊपर मैं बैठता हूं, नहीं तो यहां पर जो लोग है ना ये कंफ्यूज ना हो जावे, गजराज कंफ्यूज हो जाएगा गरुड़ को कंधे पे लेके क्यों आए, क्या हो गया भगवान को, तो इसलिए तुरंत गजराज के पास पहुंचने से पहले गरुड़ को वापस नीचे रख दिए, भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ गए, और तुरंत टाइम नहीं बिताए, तुरंत ही चक्र को पेश कर वो ग्रह को नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए, वहां पर ग्रह का उद्धार हो गई, गजराज महाराज जी का वहां पर मुक्ति हो गई।
बताओ कितना वैष्णव के भक्तों की रक्षा करने में भगवान, इसलिए तो भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, उनको संसार में लक्ष्मी भी बात दे देते हैं, साइड में हो जाओ मेरे भक्त पहला है मेरे। तो बताइए ऐसे वैष्णव को हम अगर निंदा करें तो हमारा क्या गति होगी, भगवान माफ नहीं करेंगे ना। इसके लिए वैष्णव अपराध कभी ना करे, वैष्णव की महिमा समझ जाइए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चर्चा को, आगे का विषय को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।